Advantages. Apart from a pesticide value, the name coated urea, in under conditions of climate change, it will help produce fertilizer.
recognize it. But again, I want to emphasize plants like neem, trees like neem, casuarina, and moringa. These are very valuable, and I am particularly happy that you have chosen those plants for attention. Thank you. के लिए समर्पित एक जीवन हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर इस संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय डीजी मिस एन टटवाइलर मंच पर उपस्थित डॉक्टर स्वामीनाथन जी डॉक्टर परोदा डॉक्टर महापात्रा जी डॉक्टर माथुर जी देश विदेशों से आए वैज्ञानिक किसान भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों हम सब एक कृषि प्रधान देश है यही नहीं भारत एक कृषि जैव विविधता पानियों तथा कृषि उपयोगी कीटों की विविधता बहुतायता में पाई जाती है कृषि जैव विविधता कृषि के विकास का आधार है जिसके उपयोग से नई नई किस्मों का विकास किया जाता रहा है भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान व्यवस्था विश्व की सबसे सुदृढ़ एवं सुनिश्चित व्यवस्थाओं में से एक है इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत में सभी प्रकार की जैव विविधताओं की भरमार है इसके प्रबंधन संरक्षण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत में 5 ब्यूरो कार्यरत है नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो में राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व में द्वितीय स्थान पर है भारत के अंदर इसमें लगभग 4,29,000 नमूने संरक्षित हैं भारतीय मूल के लगभग 63,000 पादप जनद्रव्य विश्व के अनेकों जीन बैंकों में संरक्षित है जो समूचे विश्व के वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध है इसी प्रकार राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में स्थित जीन बैंक के लगभग 1,30,00,000 वीर खुराक में से करीब 8,000 पिछले 2 वर्षों में संरक्षित किए गए हैं इनको आवश्यकता अनुसार किसानों के बीच भी बांटा जाता है इस सम्मेलन में करीब 60 देशों के लगभग 850 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं जो कि विश्व के कोने कोने से आए हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से देश एवं विभिन्न देशों से आए वैज्ञानिकों को करने का अवसर प्राप्त होगा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार से भी वैज्ञानिकों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का हम सिर्फ सामना करेंगे बल्कि उस पर विजय प्राप्त करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस सम्मेलन को इस कांग्रेस को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ आज के इस यादगार अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक स्मारिका और कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन किया जाएगा ये है दिस सुवेनियर दिस स्पेशल वॉल्यूम ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट बुक एंड ग्लोबल कंसल्टेशन ऑन यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी टू काइंडली ई रिलीज द सेट ऑफ 4 बुक्स बाय प्रेसिंग द बटन
माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपया गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फिश का विमोचन भी कृपया अपने कर कमरे द्वारा करें। Books have been developed and published by the five national bureaus under the ICAR. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज इस सम्मेलन के समुद्र में जो ज्ञान विज्ञान की धाराएं सरिताएं समाई हैं, उनमें हमारे बीच वर्ल्ड फूड प्राइज के रिस्पेक्टेड विजेता भी विराजमान है। मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू काइंडली फेलिसिटेट द वर्ल्ड फूड प्राइज विनर्स। सो मे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कम इन फ्रंट ऑफ द डायस। Founded by the legendary Nobel laureate Dr. Norman Borlaug, the World Food Prize distinguishes sustainable food supply for people around the world. Dr. Gupta is recognized for development of low-cost techniques for freshwater fish farming by the rural poor, enriching diets and lives of the world's most impoverished families. He is a prime architect of a fluid revolution in Asia and around the globe.
क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या खड़ी कर ली है दुनिया में लागू कराने में भारत अहम प्रति प्रभाव देने की वजह से बायोडायवर्सिटी का प्रॉपर मैनेजमेंट पूरी दुनिया के लिए प्राथमिकता है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या का दबाव और विकास की अंधाधुंध बढ़ एग्रीकल्चर में बहुत ही धीरे फसलों पर और फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यकता। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण का अहम पहलू है आसपास के एनवायरमेंट को चुनौतियों के लिए तैयार करना। इसके लिए जीन बैंक में किसी स्पेसिफिक जीन का संरक्षण करने के लिए उसे किसानों को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराना होगा ताकि जब वो जीन के खेत में रहेगा जलवायु दबाव बढ़ेगा आसपास के माहौल के अनुकूल बनेगा तभी उसमें प्रतिरोधी क्षमता की ठीक हो पाएगी। Thank you.
जिससे ये कानून विकासशील देशों में किसानों की प्रगति में बाधक न बने। इस सम्मेलन में अगले तीन दिनों में बायोडायवर्सिटी के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। आज दुनिया के करोड़ों गरीब हंगर, माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत अहम है। इस बात पर मंथन आवश्यक है। इन समस्याओं का हल निकालते समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण आयामों की अनदेखी न की जाए। साथियों, हमारी एग्रो बायोडायवर्सिटी आगामी पीढ़ियों की जरूरत है और हमें केवल इसके संरक्षण के लिए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास से ये सुनिश्चित करें कि नेचुरल रिसोर्सेज हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उसी रूप में उन्हें सौंपे जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने इसे हमें सौंपा। इसके साथ फिर एक बार आपका हृदय से स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश को, इसके वर्तमान को, इसके भविष्य को आपकी जरूरत हमारी है। As a token of our immense respect, we want to present the medal to the Honorable Prime Minister. May I request Professor Swaminathan to present the medal to the Honorable Prime Minister. With their surrounding agrobiodiversity. Painting of Sabatrice and Rosa. अब हमारा आदर है डॉक्टर प्रणोदा सिंह की, कृपया हमारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट करें। We begin to do to grace this occasion and this shows the importance we place on conservation and use of agrobiodiversity for sustainable agriculture production and how this can be support and for the successful operation of this global company. We are grateful to Professor Swaminathan for his keen interest
होगा तो नॉट ओनली एडवाइजर्स बट ऑल्सो क्लोजली मॉनिटर ऑन अ डे टू डे बेसिस द एंटायर प्रोग्राम ऑफ दिस कांग्रेस वी आर ग्रेटफुल टू बोथ डॉक्टर स्वामीनाथन एंड डॉक्टर परोदा फॉर देयर लीडरशिप इन प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ एग्रो बायोडायवर्सिटी बोथ एट नेशनल एंड एट ग्लोबल लेवल Our sincere appreciation to Dr. Director General for Biodiversity International and the Indian Council of Agricultural Research, Ms. N. Tutwiller and Dr. T. Malhotra for their constant support for this Congress. We also acknowledge the support provided by the Director General of other CGIAR centers, especially CIMIT and ICRISET. Organization of this first ever International Congress, where over 900 participants from 60 countries are participating, could not be possible. Without the financial support provided by many national and international organizations, whose needs are acknowledged all around, and we are grateful to both organizations for their generous financial support. I am thankful to all the university speakers who so kindly agreed to our local and travel from all over the world to share the new knowledge, the beauty of competition, and use of the biodiversity. It is expected that the participants of this conference will be benefited from their presence. I am thankful to all the participants of this Congress and the sponsors for their active participation in this Congress. Our sisters and friends to understand the media, who is present with us, and the media can play a great role in supporting our effort to promote conservation and use of everybody to the public. Finally, it is my duty personally to acknowledge the active of IEC 2016 who have brought to the world for more than a year to make this event a success that allows to push forward. International Krishna Jayavidata Congress जिसका उद्घाटन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया इसका सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे थे इसी के साथ आपसे अनुमति लेते हैं नमस्कार